हेलो स्टूडेंट, सृष्टि द फ्यूचर में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम लेकर आए हैं 8 सितंबर करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने क्या ऐलान किया? तो सरकार ने ऐलान किया है, निजाम युग के दस्तावेज रखने वाले मराठों को कुनवी जाति प्रमाण पत्र दिया जाएगा। जिन मराठों के पास निजाम युग के दस्तावेज हैं, उन्हें महाराष्ट्र सरकार कुनवी जाति प्रमाण पत्र देगी। महाराष्ट्र का कुनवी समुदाय कृषि संबंधी व्यवसाय से जुड़ा है और राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अंतर्गत समूहीकृत है। मराठों को कुनवी जाति प्रमाण पत्र देने का अर्थ यह होगा कि मराठों को ओबीएस में गिना जाएगा और उन्हें ओबीसी को मिलने वाली प्रतिष्ठा का लाभ मिलेगा। मराठवाड़ा और राज्य के अन्य क्षेत्रों के मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए वन, सांस्कृतिक कार्य, मत्स्य पालन राज्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान के चंद्र अन्वेषण मिशन स्लिम को क्या उपनाम दिया गया है? तो इसे उपनाम दिया गया है मून स्निपर। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने कहा कि रॉकेट ने योजना के अनुसार दक्षिणी जापान के तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी और चंद्रमा की जांच के लिए स्मार्ट लैंडर को सफलतापूर्वक छोड़ा। मून स्नाइपर नाम से मशहूर जापान का लक्ष्य चंद्रमा की सतह पर अपने लक्ष्य स्थल से के 100 मीटर के भीतर स्लिम को उतारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस नए उत्पाद का नाम क्या है जो उपयोगकर्ताओं को हिंदी और अंग्रेजी में वॉइस सक्षम यूपीआई भुगतान करने की अनुमति देता है? तो इसका नाम है यूपीआई लाइट एक्स। यूपीआई टैप करें और भुगतान करें, हेलो यूपीआई, यानी कि ये तीनों सही हैं। आंसर होगा उपर्युक्त सभी। NPCI ने लोकप्रिय भुगतान प्लेटफॉर्म UPI पर कई नए भुगतान विकल्प लॉन्च किए, जिनमें संबंधी लेनदेन भी शामिल हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने चल रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑल इंडिया ऑफ इंडिया द्वारा उत्पादों के लॉन्च की घोषणा की। उत्पादों में से एक है हेलो UPI, जो उपयोगकर्ताओं को एप्स, टेलीकॉम कॉल और IoT उपकरणों के माध्यम से हिंदी और अंग्रेजी में वॉइस सक्षम UPI भुगतान करने में सक्षम करेगा। जल्द ही यह कई अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने प्रशिक्षण अभ्यास त्रिशूल निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू किया? तो ये शुरू किया है राजस्थान में। भारतीय वायुसेना ने अपना वार्षिक मेगा प्रशिक्षण अभ्यास त्रिशूल शुरू किया, जिसके हिस्से के रूप में इसकी पश्चिमी वायु कमान कश्मीर के लेह से लेकर राजस्थान के नाल तक अपनी सभी लड़ाकू संपत्तियों को सक्रिय करेगी। अधिकारियों के अनुसार अंतरिक्ष अभ्यास 4 से 14 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है और कमांड के तहत सभी फ्रंट लाइन संपत्ति जैसे लड़ाकू विमान, परिवहन विमान और हेलीकॉप्टर तैनात किए जाएंगे। नेक्स्ट है, G20 टेक स्ट्रिप्स स्प्रिट 2023 का विजेता किसे घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है टीम सेक्रेटेरियन लिमिटेड को। BIS और भारतीय रिजर्व बैंक ने G20 टेक स्प्रिंट 2023 के विजेताओं की घोषणा की है। दुनिया भर के शॉर्ट लिस्ट की गई 21 टीमों ने सीमा पार भुगतान में सुधार के लिए नवीन तकनीकी समाधान विकसित करने के लिए प्रतिस्पर्धा की। समाधान का उद्देश्य अवैध वित्त जोखिम को कम करना है। सीमा पार भुगतान में उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्था की मुद्राओं के लिए तरलता में सुधार और बहुपक्षीय सीमा पार CBDC प्लेटफॉर्मों को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, XIX एशियाई खेल 2022 के लिए भारतीय दल का आधिकारिक प्रायोजक कौन होगा? तो ये होगा अमूल। अमूल 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक हांगजो चीन में आयोजित होने वाले XIX एशियाई खेलों 2022 के लिए भारतीय दल का
आधिकारिक प्रायोजक होगा। अमूल ने लंदन 2012 ओलंपिक के बाद से ओलंपिक राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों के लिए सभी भारतीय दल के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के माध्यम से भारतीय खिलाड़ियों के साथ साझेदारी की और हम अपने दशक लंबे रिश्ते को और मजबूत करने से प्रसन्न हैं। नेक्स्ट है पहला यूएस एशियन केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा वाशिंगटन में। अब देखते हैं दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन यानी कि एशियन क्या है। यह एक क्षेत्रीय संगठन है जिसे एशिया प्रशांत के उपनिवेशवाद के बाद से के राज्यों के बीच राजनीतिक सामाजिक स्थिरता और शांति को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। इसका आदर्श वाक्य एक दृष्टि एक पहचान एक समुदाय है। 8 अगस्त को एशियन दिवस के रूप में मनाया जाता है। एशियन का सचिवालय इंडोनेशिया जकार्ता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 की 3 दिवसीय क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर कार्यशाला निम्नलिखित में से किस स्थान पर संपन्न हुई? तो ये संपन्न हुई है हैदराबाद में। जलवायु अनुकूल कृषि यानी कि क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर पर 3 दिवसीय G20 तकनीकी कार्यशाला हैदराबाद में संपन्न हुई। 4 से 6 सितंबर तक 3 दिवसीय कार्यक्रम कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय हैदराबाद हवाई अड्डे द्वारा आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में मध्य रेलवे के प्रधान प्रमुख परिचालन प्रबंधक का पदभार किसने संभाला? तो ये पदभार संभाला है श्याम सुंदर गुप्ता ने पुणे में मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक के रूप में कार्यभार संभाला है। उन्होंने श्री मुकुल जैन का स्थान लिया है जो 31 अगस्त 2023 को सेवानिवृत्त हो गए। मध्य रेलवे के लिए प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक के रूप में अपनी वर्तमान भूमिका संभालने से पहले श्री गुप्ता ने उत्तर रेलवे के लिए प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य किया। ये है श्याम सुंदर गुप्ता। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2023 का विषय क्या है? तो इसका विषय है प्रोमोटिंग लिटरेसी ऑफ अ वर्ल्ड इन ट्रांजिशन बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल एंड पीसफुल सोसाइटीज। ये है इसका विषय। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस एक अंतरराष्ट्रीय उत्सव है जो हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है जिसे यूनेस्को द्वारा 26 अक्टूबर 1966 को यूनेस्को के सामान्य सम्मेलन के 14वें सत्र में घोषित किया गया था। 1967 से जनता को गरिमा और मानवाधिकारों के मामले में साक्षरता के महत्व की याद दिलाने और अधिक साक्षर और टिकाऊ समाज की दिशा में साक्षरता एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए दुनिया भर में हर साल अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस समारोह आयोजित किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2023 का विषय परिवर्तनशील दुनिया के लिए साक्षरता को बढ़ावा देना टिकाऊ और शांतिपूर्ण समाजों की नींव का निर्माण करना है। स्टूडेंट ये थे आज के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर लाइक करें।